आज जिस तरह से वो सृष्टि पे बना रही उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप बनाना चाहते हैं रजोगुण में। माने लंदन में अगर आप जाएं तो शराब पीने के सिर्फ अगर ग्लास आप लेने चाहें तो कम से कम 1,000-15,000 रुपए आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा कम से कम। पहले तो शराब बनाओ जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है, फिर उसको पीने के लिए जरूरी है आप उसके प्याले बनाओ। अगर इंग्लैंड में अगर स्कॉच विस्की बंद हो जाए तो देश डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें, एक तो स्कॉच विस्की है और दूसरे उनका क्रिस्टल है। जब मनुष्य बढ़ने लगता है तो वो दूसरों की कमजोरियों पे ही चलता है। अगर कमजोरी नहीं हो तो आदमी को क्या दरकार होगी चीजों की, उसको कमजोर बना दिया जाता है। जिस प्रकार की औरतों को ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, औरतें लगी खर्चा करने, उनके अंदर उन कमजोरी डाल दी। रेस का घोड़ा जरूर खेलना चाहिए अगर आप लंदन में रहते हैं, नहीं तो आप वहां के सभ्य नहीं, एलीट नहीं है। आपको रेस का घोड़े का सब आना चाहिए। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो आपको शराब के बारे में इत्थंभूत सब पता चाहिए कि शराब का मतलब क्या होता है, उसको कितना मिलाना चाहिए, उसमें कितना घोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो कॉलेज है जहाँ पर कि बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें दो पेपर्स होते हैं, उसमें शराब के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी शराब दी जाए कौन सी नहीं दी जाए, क्योंकि आपके होटल ही नहीं चलेंगे। होटल में अगर ये शराब नहीं पियेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, तो पैसा कैसा है? आपके अंदर जितनी कमजोरी होगी उतना ही रजोगुण प्रबल हो सकता है। अगर आप दो ही चार कपड़ों में रह लेते हैं और मस्ती में रहते हैं तो इनके कपड़ों की मिले कैसी चलेंगी? अगर आप सादगी से रहते हैं तो इन लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? अमेरिका अगर जाइए आप तो 50 तरह के हैंडल्स होंगे, यहां तक कि खपरेल जो सर पे होती है वो हजारों तरह की होगी। किसी के बाथरूम में जाए तो पहले पूछ लीजिए कि कौन सा नॉब दबाए, नहीं तो आप अंदर पहुंचे और देखा खट में। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत? इस कदर आराम पसंदगी, इतना ज्यादा कंफर्ट मनुष्य को क्या जरूरत है कि हर समय वो लोरता रहे? क्योंकि शराब के बाद लोरना जरूरी, लोरने के लिए कंफर्ट जरूरी है, और कंफर्ट जब जरूरी है उसके लिए हर तरह की चीज, ये कुशन बनना चाहिए, फलाना ठिकाना बनना चाहिए, उसमें वो चीज होना चाहिए। ज्यादा विद्रूपता है, मैं आपसे कहती हूँ, इतनी अग्लीनेस आ गई मनुष्य के अंदर, और उसमें शर्म नहीं आती उसके। उसने बड़े बड़े साइंस बनाए हैं, शराब पिलाने की भी साइंस बनाए हैं, फिर औरतों को किस तरह से खूबसूरत रहना चाहिए, उनको टैनिंग करना चाहिए, चाहे उसमें शर्म उतर जाए उनकी हर्ज नहीं, उनका बॉडी जरूर टैन होना चाहिए। उन्होंने एक चक्कर चला दिया वहां टैनिंग का। अरे भाई, आपको अगर सूर्य की रोशनी लेनी तो बदन पे अगर आपके कपड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूर्य की रोशनी तो आपके अंदर जाती है, लेकिन टैनिंग होना चाहिए। उसलिए इस तरह के नजारे होते हैं कि आप चल नहीं सकते किसी भी सीशोर पे। एक दिन ये सारे सीशोर सुखड़ करके इन सब औरतों को खींच लेगा अपने, तब इनकी अकल ठीक हुई। निर्लज्जता संसार में फैलाना चाहिए, क्योंकि निर्लज्ज नहीं होंगे तो इनके कॉस्मेटिक्स कैसे बिकेंगे? इन्होंने जो जो चीज औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हुई है वो कैसे लेंगे? अब तो कुछ कुछ जरा सा अपने देश में अकल आ गई औरतों को। पहले तो मैं देखती थी कि यहाँ पर एक डालडा का ठिन लगा के औरतें चलती थी, तो मैंने काफी इस पर लेक्चर दिया कि बाबा कम से कम एक डालडा का ठिन कब करो। हील्स पहनेंगी तो इतनी ऊंची ऊंची पहनेंगी, आखिर कोई आप ऊंट बनना चाहते हैं? आप इंसान है, भगवान ने आपको कायदे का बना दिया, किस लिए इतने परेशान? ब्यूटी कॉन्टेस्ट बना रहे हैं बताइए आप, बिल्कुल अजीब, बहुत ही ज्यादा विकृत और विद्रूप चीज है ये। क्योंकि जब सतली रूप होता है तो मनुष्य रूप को देखते ही साथ पूर्णतया संतोष, ये रूप का लक्षण है कि बस अब रूप का अंत आ गया, इससे आगे रूप नहीं, वही असली रूप होता है। लेकिन ये तो ऐसा रूप है कि अभी चले एक दूसरा देखा, उसके बाद दूसरा बंदर देखा, उसके बाद तीसरा बंदर देखा, बंदरियां ही बंदरियां सब दूर भरी पड़ी,
मैंने कहा यहाँ कोई सती साधी एक भी नहीं है, सब बंदरियां ही हैं, जो इसके गर्दन में कूद रहे उसके गर्दन में कूद रहे, और ऊपर से बड़ा घमंड है उनको कि हम तो बहुत ही ज्यादा वाह 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 एडवांस। ऐसी गधापंती अपने यहाँ की औरतें न करें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। अभी भी इस देश में बहुत देवियां हैं और बड़ी पूजनीय देवियां हैं, इसीलिए आदमियों के कितनी भी गलतियां होने पर भी ये देश रुका हुआ। आदमी लोग तो सब साफ हो ही गए, उनको तो कोई कुछ कह नहीं, वो तो अब कहना बहुत मुश्किल हो गया, सब साफ हो गए। अब देसी चीज जो है वो बिल्कुल बदतर। अगर आप दिल्ली में, मैंने सुना कि आप कहीं जाइए और आप घर दारू नहीं पीते हैं तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि साहब अभी तक आप पूरी तरह से बंदर नहीं बने। और जब तक बंदरों की दुमे नहीं करती तब तक और भी उनको खुशी नहीं होती कि जब तक आपने दो चार लड़कियां इधर उधर से ला करके और नचाए नहीं तो आप काम नहीं। आजकल यहाँ के बुढ़ों को शौक हो गया है कि हम उल्लू न बने। वो एक हमने नागपुर हमारा है देश जहाँ हम रहते थे, वहाँ के लोग कुछ क्रूर जरूर है, कभी कभी पते की कहते हैं, कहले बुलबुलों को हसरत हुई कि उल्लू न हुए। तो बजाय इसके कि समझदारी रखे, कुछ शांति रखे, कुछ शान अपनी रखे, बुजुर्गों को आजकल ये शौक हो रहा है कि हम जवानों जैसे जा करके वहाँ वो नाचते कूदते हैं ना लोग जपरे रख करके, उस तरह से हो जाए। एक साहब मुझसे कहले साहब इसमें क्या हर्ज आपको है, हम गरीबी बन के घूमे तो आपको क्या हर्ज है। साहब मैंने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि आप इस वक्त ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कोई पिशाच होता है, और अगर आप पहले ही से पिशाच बने घूम रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई पिशाच आपके ऊपर बैठ जाए तो वो दोष किसका होगा, पिशाच का नहीं आप ही का होगा, क्योंकि वो देखेगा ये अच्छा एजेंट मिल रहा है अपने जैसा जिसमें जम जाएंगे पूरा। आपकी शक्ल ऐसी है कि उसमें सिर्फ भूति आकर्षित हो जाए। ये सब रजोगुण की कमालात है, सुनिए कि आपको पिशाचों जैसे घूमना है तो आप रजोगुण बनिए, डेवलपमेंट करना है तो करिए। जो पैंट 10-10 दिन नहीं धुलती, एक लेडी तो सुनते हैं कि उसने पहनी है तब से उसे धोई ही नहीं कितने दिन से, उसी के साथ नहाती है और सुखाती है। एक एक तमाशे सुनिए आप, उनकी हाईएस्ट डेवलपमेंट आपसे बताएं। अब वहां पे एक पंक रॉक नया निकला है, शायद आप तक पहुंचा नहीं अभी तक, हो सकता है पहुंच जाए। उसमें सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी पिने लेकर के यहाँ से सिल दिया जाता है दोनों साइड, बड़ी बड़ी पिने, नाक में लाल, यहाँ पे शॉकिंग पिंक, यहाँ पे हरा, ये सब पत्तियां हैं, इनको निकाल निकाल के जोड़ लीजिए और उसके बाद घुमा करते हैं। और वहां कौन घूमते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर बैठे हैं, संभल के रहिएगा। और एक साहब तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े विद्वान, मैं उनको समझती थी, एक पार्टी में आए तो ये सब करके आया। मैंने कहा ये क्या कहना, आजकल मैंने पंक रॉक ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा आप तो काम किया कलमंद थे, अब आप पंक रॉक में चले, चले आपको भी बड़ा मजा आएगा, आइए, बड़ी शांति मिलती उससे। मतलब ये है कि कुछ तो भी न्यूसेंस जिसे कहते हैं ना, महामूर्ख बन के भी कोई अगर अपने तरफ देखे तो बड़ा अच्छा है, जोकरी बन जाओ वैसे तो कोई देखता नहीं आप, क्योंकि सभी हिप्पी बन गए तो सब एक ही जैसे दिखते, तो कोई तो विशेषता आनी चाहिए। तो मुंह में पीने डाल डाल करके यहां से यहां तक पीने, ये बड़े बड़े और से बड़ी कॉमन साइट है वहां पे, आपको आश्चर्य हो। मैं आपको सिर्फ विनोद के लिए नहीं कह रही हूँ, असलियत है। और देखते ही आप अचंभे में देखते हैं कि साहब या तो हम पागल है या ये पागल, और वो हमारे ऊपर सोचते हैं कि हम बहुत ही इनहिबिटेड लोग हैं, हमें अकल ही नहीं है कि हम इस तरह का कोई सा भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते जिसमें हम अपने को लेट लूज कर दें, हम इतने इनहिबिटेड हैं, हमें कोई स्वतंत्रता की कल्पना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना, उच्छृंखलता नहीं, महामूर्खता तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता इतनी बड़ी चीज है, स्व के तंत्र पे चलना ही स्वतंत्रता है, और स्व का तंत्र यह है जो आपके सामने। जो मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझना चाहता है उसको पहले पार हो जाना चाहिए, नहीं तो वो स्वतंत्र नहीं। स्व का तंत्र समझ लेना चाहिए और यही उसका तंत्र है, ना तो तांत्रिकों का नेगेटिव जिससे स्व ही उसमें खत्म हो जाए, जिससे स्व पूर्णतया स्वतंत्रता में आ जाता है,
जब वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है तभी उसके अंदर विस्टम पूरी तरह से संतुलित बैठ जाता है। वो जो भी करता है पूर्ण स्वतंत्रता से करता है, लेकिन उसके एक एक इशारे में, एक एक इशारे में भी स्वतंत्रता के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। वो किसी से भी नहीं डरता है और हमेशा नतमस्तक रहता है। प्रेम में वो स्वतंत्र होता है, अत्यंत प्रेममय और करुणामय वो होता है। ऐसे स्वतंत्र आदमी को प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके कि जो अपने को स्वतंत्रता के नाम पर गधे से मूर्ख और मूर्खों से पता नहीं और क्या हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे जानवर भी नहीं जिनकी मैं आपको प्रणाली बताऊं, कोई मुझे ऐसे शब्द भी नहीं मिलते कि इन लोगों का वर्णन करो, क्योंकि कलयुग से पहले ऐसे कभी हुए नहीं थे। इसलिए नए शब्दों के कॉइनेज की जरूरत है, और जो शब्द बनाने वाले थे वही ये हो गए, तो अब कौन शब्द इनके बनाएगा, यह हालत आ गया। कुछ संस्कृत भाषा में ढूंढे से मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है। जब संस्कृत भाषा प्रचलित थी तब ऐसे गधों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराण में भी वर्णन है कि कलयुग आएगा, लेकिन इस तरह के महामूर्ख संसार में विचरण करेंगे ऐसा पुराण में भी नहीं बताया था। ये तो आप देखते ही बनता, और पढ़े लिखे और अति पढ़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं। इसको आप क्या कहिएगा, ये रजोगुण का प्रादुर्भाव है। अब आपका देश डेवलप हो रहा है, होइए साथ, लेकिन ये देख लीजिए नमूना। आप जरूर डेवलप होइए, लेकिन ये नमूना देखते चले कि वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उधर आप जाके न कूदी। एक तो रजोगुण में सबसे बड़ा जो दोष है कि ये अहंकार से चलता है, मतलब ईगो ओरिएंटेड है रजोगुण। जब ईगो ओरिएंटेशन शुरू हो गया तो अहंकार ऐसी चीज है कि उसमें आदमी जो भी करता है उसमें अपनी बेवकूफी वो देख ही नहीं सकती, या कुछ भी करता है वो बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अहंकार तृप्त होता है। अपने यहां रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस वक्त नारद मुनि स्वयं ही एक चक्कर में पड़ गए, ऐसे ही चक्कर है ये रजोगुण के चक्कर है। इसको समझने के लिए अपने को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, ये मेरा अहंकार मुझे गधा बना रहा है। और अहंकार आपको गधा बना के इतना छोड़ देता है कि अंत में वो आप घबराहट के मारे ही उसको गधे को अपने ऊपर लिए चलते, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड है इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर ये ईगो ओरिएंटेड नहीं होता तो इतना डेंजरस नहीं बैठता, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने को गधा कह नहीं सकता। सब दुनिया पे हंसेगा लेकिन खुद ही अपने सर पे गधा लेके चल रहा है उसे नहीं देखेगा। ये ईगो की विशेषता है, ईगो में एक अंधापन आ जाता है और इसलिए ये बहुत ही खराब चीज है। हाँ, अगर सुपर ईगो हुआ जो कि दूसरी साइड में अपने सर में डेवलप हो सकता है, तमोगुण की वजह से उसमें आदमी पीड़ित हो सकता है, उसका बदन कांप सकता है, उसमें तकलीफें आ सकती हैं, उसकी बीमारियां आ सकती हैं, उसका फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। पर ईगो ओरिएंटेड आदमी में कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी जब तक उसके हार्ट ट्रबल ना आए। एक ही है कि हार्ट ही स्टॉप हो जाए बस। ईगो ओरिएंटेड आदमी को कभी भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं मिल सकती है, जैसे कि तमोगुणी की रुकावट हर समय हर जगह होती है। तमोगुणी एक तरह से बेचारा ज्यादा ठीक है, क्योंकि कम से कम उसकी ठोकरों से वो बचते रहता है। समझ लीजिए अभी यहीं एक देवी जी बैठी हुई है जिनको बाधा ने पकड़ लिया, वो एक किसी आदमी के पास गई, उनसे जाकर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र करे, बाधा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, तो उनका बदन ऐसा ऐसा ऐंठने लग गया, चलो भाई छोड़ो। पर आप अगर किसी ईगोइस्टिकल आदमी के सामने जाइए, उसका ईगो आपके अंदर भी घुस जाएगा, ये है तो मैं इसके बाप से बड़ा हूं, चले उसने एक बोला मैंने 10 बोला, वो कौन होते हैं मैं उसका नाना हूं, शुरू हुआ, वो जितने गधे उसके आप डबल नाना गधे हो गए। और उसमें उसके साथ में एक और बीमारी लग जाए जो बड़ी ही सूक्ष्म है जिसको समझना चाहिए, यश बेटा, उसमें एक बीमारी और लग जाती है यश, सक्सेस। उसके साथ अगर सक्सेस लग जाए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है, फिर तो आदमी को गधे पे से उतारना असंभव है। सक्सेस अगर लग गया तो बड़े सक्सेसफुल थे वो, फिर उनके मरने के 30-40 बाद साल बाद निकलता है कि उन्होंने ये गधापंती करी, ये गोबर खाया, ये हालत अपनी खराब की,
वो ऐसे थे और वो वैसे थे, तो लोग कहते वो तो ऐसे होंगे नहीं, क्योंकि ईगो में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं ईगो में अकल लगा करके और चोरी छिपे करते हैं, और कुछ लोग हैं खुलेआम करते हैं अगर एक्सपोज हो जाए। लेकिन सबके अंदर एक तरह की एक बड़ी दानव शक्ति कार्यान्वित होती है, और इतनी महामुक्तता उस दानव शक्ति में है। जैसे कि मैंने आपसे कल ही बताया था कि लंदन में 77 साल की बुढ़िया नानी अपने ग्रैंड चाइल्ड से शादी करती है, उनको कोई आश्चर्य, और नाना जी अपनी नातिन से शादी करती है, इसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए वहाँ कायदा पास कराने वाले हैं, उसके लिए बड़ा वहाँ मूवमेंट हो रहा है कि इस तरह का आप हमारे हमारी स्वतंत्रता पे आप आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ से कोई सीखने की जरूरत नहीं, उनके पास कुछ भी अपने पास देने की चीज नहीं है, आप मेहरबानी करके उनसे कोई चीज ले सकते। और ऐसे पैसे की भी अपने को जरूरत नहीं है जिससे हम मामूर्ख हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो गांधी जी के रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके रास्ते से बनाओ, अपने स्थैर्य पे चलो, अपने पास जो संपदा है, अपने पास जो सत्ता है उसे लेकर। हम लोग कितने बेवकूफ बन रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। हमारे पास अगर हम पीतल के इसमें खाते हैं तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास इस कदर पीतल है, और ये लोग प्लास्टिक के इसमें खाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक आ जाए, नहीं तो स्टेनलेस स्टील आ जाए। स्टेनलेस स्टील भी कोई खाने की चीज होती है, जिसको कि लोहा कहते हैं, लोहे में लोग खाएंगे ऐसा पहले कहते थे पुराण में। हम लोग जब छोटे थे तब कोई कहता था कि ऐसा जमाना आएगा जब लोग लोहे में खाएंगे, तो हम लोगों की माँ वगैरह कहती थी हे भगवान ये कौन सा जमाना आ जाएगा कि ऐसी दुर्दशा आ जाएगी, ऐसी गरीबी आ जाएगी कि लोग लोहे में खाएंगे, हे भगवान कासे में खाएं, पंचधातु में खाएं, कुछ बढ़िया चीज में खाएं, ये क्या। तो अब स्टेनलेस स्टील में लोग खाते। मैं वहां से लंदन से आती हूँ तो मुझे लोग लिखते हैं कि भाई नायलॉन की बढ़िया वहां साड़ी मिलती है, अमेरिकन जॉर्जेट लेके आओ। वहां सब लोग हंसते हैं, इंग्लिश लोग, अरे क्या आपके यहाँ कॉटन इतना बढ़िया होता है और आप ये रद्दी कहाँ से ले जा रहे हैं वहां। अपने यहाँ कोई अगर कॉटन पहने तो लोग हंसेंगे कि ये क्या कॉटन पहने। वो दिन दूर नहीं जबकि खादी सारे संसार में छाई, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं, आप मेरा विश्वास माने, क्योंकि इसके अंदर हाथ से बने हुए वाइब्रेशन है, और वो लोग इस चीज की महत्ता समझते हैं, इस खादी की महत्ता समझते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ हैं जो हम नायलॉन बड़ी भारी चीज समझते हैं। आप जानते हैं कि नायलॉन से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, ये मनुष्य के विरोध में है, लेकिन हमें नायलॉन क्यों पसंद, क्योंकि वे हम लोग बड़े अंग्रेज बनते हैं। आप 10 के जगह 2 साड़ियां पहनिए लेकिन कायदे की साड़ी पहनिए, आप 10 के जगह 2 कपड़े पहनिए। अब अपने यहाँ लोगों को आश्चर्य होता है कि कॉटन से टेरिकॉट महंगा, उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे संभव नहीं है। वहां अगर कॉटन अगर आपको वहां पर 10 पाउंड का मिलता होगा तो टेरिकॉट 2 पाउंड का मिलता है। कोई अगर कॉटन कहीं मिले कि कॉटन मिल रहा है तो लोग दौड़े जाते हैं, कहते उसका फील कितना सुंदर है। हम लोग अभी भी इस्त्री पे इस्त्री मारे रहते, वो कहते भाई इतना ज्यादा छूटी फूटी लोगों से हमारा जी घबराता है, घुटता है, काहे को स्त्री करते रहते हो सुबह से शाम तक। अरे अपने मन की भी कोई स्त्री करो। बाहर की झकपकाहट जिसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है उस पर लोग हंसते हैं। अंग्रेज लोग बहुत हंसते हैं, हमारे कुछ इंग्लिश शिष्य आए थे तो कह ले हमें बम्बई ज्यादा पसंद है बनिस्बत दिल्ली के, ठंड में थे ना, हमने कहा क्यों, कह ले यहाँ से एवरीबडी सो वेस्टर्नाइज ऑल इट। मैंने कहा वेस्टर्नाइज हाउ डू से, कह ले सब लोग सूट जाड़े घूम रहे, उन लोग के समझ में नहीं आए बात, वो इसको समझ नहीं पाते। तो मैंने उनसे कहा तुमको भी इन पे रोब झाड़ना है तो सूट पहन के आना, नहीं तो इन पे रोब नहीं पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी जाना तो सबसे बेस्ट सूट पहन के जाना, अंग्रेज अगर सूट में आया तो उसी के पैर पे हमारा हिंदुस्तानी गिरता है, और ऐसे वैसे नहीं गिरने वाला अगर तुम ऐसे वैसे कपड़े पहन के आओगे। तुम नहीं समझते अभी भी हमारे अंदर वही स्लेविश मेंटालिटी हजारों वर्षों की चली आ रही, वो छूटने वाली।
हमारे जो बाप दादे हो गए वो ये सब पहनते नहीं थे, लेकिन इंसानियत के मादा उनके अंदर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा था। एक एक आदमी अगर सोचिए तो लीजेंडरी कहना चाहिए उन लोगों को, क्या लोग थे। एक बार शब्द दे देते थे तो उसी शब्द पे चलने वाले, जिनके बारे में सारे संसार में लोग गुणगान गाते थे कि हिंदुस्तान का आदमी एक होता है तो वो यहाँ के हजारों बेकार लोगों से अच्छा होता है, वही हिंदुस्तान की आज ये दुर्दशा हो। ये रजोगुण की कृपा है। स्वतंत्रता से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, जब गुलाम थे, जब कंधे से कंधे लड़ाए थे और सबसे जाकर के वहां पर सारे संसार के देशों से हमने अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, वो हम लोग अलग थे। और आज रजोगुण के ये गुलामगिरी में हम लोग जो फंसे जा रहे हैं मटेरियलिज्म के, इस कदर गंदे हम हो रहे हैं, इसको समझने के लिए रजोगुण में उठते वक्त रास्ते में ही सत्वगुण की रेशा है। रुक जाइए, रुक जाइए वहां पर, उनका एक्सट्रीम देखते हुए बीच में आ जाइए। सत्वगुण तभी आता है जब रजोगुण के साथ धर्म चलता है, और धर्म हमारे पेट में नाभि चक्र में उसके चारों तरफ होता है। लक्ष्मी का स्थान, लक्ष्मी रजोगुण की ही सत्वगुणी व्यवस्था है। मैंने आपसे लक्ष्मी के बारे में पहले बताया था, कल भी बताया था कि लक्ष्मी स्वरूप जो मनुष्य होता है उसके एक हाथ से दान, दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए, वो स्वयं मां स्वरूप होना चाहिए, उसके दो हाथ में कमल के फूल जैसी, उसके अंदर सम्मान और उसके अंदर प्रेम की आभा हर समय रहनी चाहिए। जब उसके घर पे दरवाजे पे जाइए तो कहते आ बेटे कहां से आए, कैसे तकलीफ से आए हो, बैठो यहां रहो। मैंने अभी किसी अंग आज एक रईस आदमी से कहा कि भाई इसको लक्ष्मीपति का, कहले बहन जी अगर कोई चोर आ गया तो, मैंने कहा चोर भी आ गया तो भी कोई हर्ज नहीं, बिठाओ प्रेम से बिठाओ, उसकी चोरी बदल जाएगी। चोर कभी भी शरीफ आदमी की चोरी नहीं करने वाला, बहुत ही गया बीता होगा तो जाने दो, फिर उसके कर्मगति से गया। अगर चोर आ जाए आपके घर में उसको रख लीजिए, उसको प्रेम से स्वीकार करिए, वो 10 बार सोचेगा कि चोरी करूं कि नहीं करूं इस आदमी पे, ये तो मेरे बाप जैसा। उस आदमी को पैसे वाला कहना चाहिए, न कि उस आदमी को जो दुनिया भर में और सबको ही अपमानित करते फिरता है। जो आदमी हृदय से कमल के जैसा, अत्यंत सुंदर और गुलाबी कमल के जैसा, अत्यंत प्रेममय भावनापूर्ण और जिसमें पूरा अपनापन बहता हो, जिसके अंदर भूंगे जैसा भी काला गड़ने वाला प्राणी भी जाकर आराम से सो सकता है, उस आदमी को लक्ष्मीपति अपने यहां कहते हैं। लक्ष्मी स्वरूप हुए बगैर ये रजोगुण आपको लाभदायक नहीं होगा। वो यूं ही ट्रस्टी के तरह से जीता है, उसका जो भी पैसा है उसे वो व्यसनाधीन नहीं होता, अपने बच्चों के लिए वो पैसा नहीं छोड़ता, उसको व्यसन में नहीं डालता। उस पैसे का उपयोग वो दुनिया के कल्याण के, वो एक ट्रस्टी स्वरूप होता है। शरद चंद्र की एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी कि कुछ उन्होंने लिखा कि हम लोग कुछ टोले के लड़के एक बड़े भारी धनी के पास पहुंचे, तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ड्रामा करने चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं और उसमें हम बहुत मॉडर्न लाइफ दिखाना चाहते हैं और आप हमें कुछ रुपया दीजिए। तो उनका अच्छा बैठो बैठो बहुत बिठाया, उसके बाद चवन्नी उनको पकड़वा दी। तो ये लड़के बड़े गुस्से हो गए उनसे कि बड़ा ही कंजूस निकला, चवन्नी हमें पकड़वा दी। उसके बाद एक स्त्री आई, बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, आई कहने लगी कि पता नहीं कुछ 50 वर्ष पहले मेरे पति ने आपके पास कुछ रुपया रखा दिया था, उसके बाद हम लोग परदेश चले गए, वहीं मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो उनके इसमें एक पत्र नहीं मिला, उसमें लिखा था कि उनके पास बहुत रुपया मैं छोड़ के आया हूँ, तो तुम हो सके तो धर्मात्मा है उनके पास चले जाना। कहले अच्छा पत्र तो दिखाई, पत्र देखा उसका तारीख देखी, कहले भाई देखो वो कहाँ उनका है, वो निकालो फलानी तारीख को फलाने साल में और 50 साल पहले की बात, वो सब फाइलें निकलवाओ और बैठे वो वहां देखने के लिए। वो भी बड़े वयोवृद्ध थे, वो भी 75-80 साल के थे, लेकिन बैठे उसे कहा बहन अभी रुकी रहो, यहीं खाना खाना यहीं रहना। इत्तफाकन उनको 2-3 घंटे में उसका पता लग गया
दो तीन घंटे में उनको पता लग गया कि ये जो है ये रुपया दिया गया था। उन्होंने वो सारा रुपया उस औरत को वापस करके सूद सहित वो वापस कर दिया। ये लक्ष्मीपति का लक्षण कि धर्म में खड़े हैं, वो पैसा एक ट्रस्टी की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी भारी, मैं शरद चंद्र को बहुत इसलिए मानती हूँ कि मनुष्य की धर्म का तत्व जो है उसको शरद चंद्र ने इतना सुंदर निभाया है, उसके धर्म तत्व को इतना सुंदर दिखाया है। लेकिन हम शरद चंद्र को पढ़ते नहीं, हम तो रजनीश को पढ़ते हैं। रजनीश ये हमारे आजकल के सबसे बड़े हीरो हैं, दड़ियल महाराज और उनके चप्पा गोटी, ये हमारे लिए आजकल सबसे बड़े हीरो साहब हो गए। अपने संस्कृति में कभी भी पैसे वाले की महत्ता नहीं गाई, कहीं भी नहीं, हमेशा उसी मनुष्य की गाई गई जो धर्मात्मा है। और आपको भी पता होना चाहिए कि इस देश में आपकी कभी भी महत्ता नहीं गाई जाएगी। आप चाहे कितने भी मंदिर बनवाइए और कितने भी फालतू की चीजें करिए, आपकी तभी महत्ता गाई जाएगी जब आप धर्मात्मा हो। चाहे आपके पास पैसा है उसको धर्म में लगाए, और जब आप खर्च करिए तो किसी से कहिए नहीं कि मैंने आपके लिए खर्च किया, देते रहिए देते रहिए। सिर्फ आप बीच में इसलिए खड़े हुए हैं कि आप देखते रहें कि पैसा जो है वो ठीक जगह पे पहुंच रहा है। कुछ कुछ लोग तो इस कदर परमात्मा में लीन हो जाते कि वो ये भी नहीं देखते, कहते जाने दो, जिससे जाता है जाने दो। लेकिन अगर कोई धर्म पुरुष दान करता है तो उसका पैसा कभी भी दुर्व्यवहार में नहीं जाता। दुष्टों का पैसा जरूर दुर्व्यवहार में जाएगा लेकिन धर्मात्माओं का नहीं जाता। उसमें भी एक बड़ी भारी आकर्षण शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, चैतन्य की लहरियां। हर एक चीज में चैतन्य की लहरियां होती है, उसका देने वाला और करने वाला होना चाहिए। आपके अंदर भी चैतन्य की लहरियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर आप इसको पालें। आप में से अनेक लोगों की अभी ठंडा ठंडा हाथ में आने लग गया है, कह रहे हैं ऐसे ही आप हाथ रखें फिर से। आज मैं आपको बचे हुए तीन चक्रों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल मैंने आपको नीचे वाले चार चक्रों के बारे में बताया था। अगले साल शायद मैं ज्यादा दिन के लिए दिल्ली आ जाऊंगी, देखिए। लेकिन दिल्ली वाले और बम्बई वाले और कलकत्ते वाले जरा जरूरत से ज्यादा बड़े लोग हैं, तो उनके लिए भी 16 राक्षस पैदा हुए हैं, 6 राक्षसी भी। वो बराबर अपना मौके से आ जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, लाला अमके ढमके, राय बहादुर टमके ठमके, फलाने मिनिस्टर फलाने ढिकाने उसके लिए सब बने हुए हैं, वो आकर के बराबर जमे हुए हैं सब जगह। मैं गरीब सहयोगी नहीं हूँ, मेरे लिए तो देहातों में अनेक लोग मिल सकते हैं। देखिए दिल्ली शहर में कहाँ तक लोग प्रगति करते हैं, कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ तक सच्चाई को पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो जो फैशन चल रहा है उसी में चलते हैं। आजकल फैशन है तो हजारों आदमी चले जा रहे हैं, सिर्फ दर्शन के लिए। पहले 25,000 आदमी सिर्फ दर्शन के लिए आए थे। अच्छा, फिर उनका क्या हुआ? पहले बस दर्शन हो गए, फिर क्या हुआ? कौन सी भलाई हुई? कुछ नहीं, दर्शन हो गए साहब, दर्शन हो गए। मैंने दर्शन हो, अरे भाई कुछ फायदा हुआ? कुछ भला हुआ? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कुछ उनमें बदल हुआ कि यूं ही दर्शन ही के लिए गए थे वहां? नहीं साहब, वो तो ऐसा था कि हम तो अंदर जा नहीं सके, वो तो दूसरे जो बड़े बड़े लोग थे वो सब अंदर गए, बाबा जी ने उनको अंगूठियां दी, उसके बाद सब लोग अंगूठियां पहन के प्रफुल्लित होके बाहर आ गए। उसके बाद पता चला सबके हार्ट अटैक्स आए, अंगूठी सहित हार्ट अटैक्स चल रहे हैं। और उसके बाद पता हुआ अंगूठी भी चोरी हो गई, उनके घर में भी चोरी हो गई। ठीक, जिसके पास अधिक पैसा है उसको खाने के लिए बहुत सारे तैयार हो गए लोग। आपके पास अगर अधिक पैसा है तो जमुना जी में डाल दीजिए, नहीं तो आपसे भी चिपक जाएंगे, इसलिए बच के रहिए। आप जो ऊपर के
लेंगे। कितने पॉइंट लगाएंगे?